गुड मॉर्निंग NSTI मुंबई में आप सभी का स्वागत है। ACI टेस्ट करने वालों के लिए बड़ी खबर, पूरा आपको काला चिट्ठा बताने वाले CITS का। चलो मैं तेजस आपका सभी का स्वागत करता हूँ मेरे कच्चे चिट्ठे में। आज हम NSTI मुंबई का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले। चलो तो चलिए हम आगे बढ़ते। इधर एक भाई साहब बैठे हैं, तो ये तो हमारे SP सर है, तो इनका सवाल पूछते हैं। किसी बंदे को CITS करना हो तो किधर जाना चाहिए? मुंबई में आना चाहिए क्या, और भी इससे भी अच्छे कॉलेज है? डिपेंड करता है वो कहाँ का है। अगर वो महाराष्ट्र का है, मतलब अभी वो विदर्भ का है समझो, तो उसको हैदराबाद नज़दीक गिरेगा तो हैदराबाद जाना चाहिए, मुंबई नज़दीक गिरेगा तो मुंबई में जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई की बात करिए तो हैदराबाद बेटर है मुंबई से पढ़ाई में। वैसे इधर भी अच्छे पढ़ाते पर वो अच्छा है। चेन्नई बहुत दूर गिरेगा। चेन्नई बेस्ट है क्योंकि लिमी के सबसे सब कुछ उधर से ही होता है, सिलेबस वगैरह सब उधर से होता है। चेन्नई पहले नंबर पे पढ़ा है मैंने, पर जो नज़दीक गिरेगा वो वही समझ गया। ठीक है, ये NSTI मुंबई का कच्चा चिट्ठा काला सच। हम दूसरे बंदे के पास जाते हैं, तो ये है मनीष जायसवाल जी। तो इनको पूछते हैं कि कॉलेज कौन सा अच्छा है पढ़ाई के लिए। देखिए ऐसी बात है, हमारे इधर सबसे बड़ा कॉलेज तो कोलकाता में है जिसका इंटेक भी ज़्यादा है, उसके बाद चेन्नई है, NSTI चेन्नई। और मुंबई की अवस्था थोड़ा इस बार थोड़ा ख़राब है क्योंकि यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो 2 साल तो रेनोवेशन का कम से कम काम चलेगा, उसके बाद ये भी अच्छा कॉलेज बनेगा ये हमारी अपेक्षा है। कि मशीनें नए आएंगी, बिल्डिंग्स नए बनेंगी, बच्चे भी नए आएंगे, हॉस्टल भी हमारा अच्छा खासा बन रहा है, तो आप 1-2 साल के बाद मुंबई प्रिफर कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप चेन्नई, हावड़ा, कोलकाता में देखो। ठीक है, थैंक यू। आपको हैदराबाद के बारे में कुछ आइडिया है? नहीं, हैदराबाद के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर जी, पता करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम देखते हैं कि हैदराबाद अच्छा है कि। और कुछ सवाल सर? थैंक यू सर आपका रिव्यू देने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी मिले वो MMV के थे, मैकेनिकल मोटर व्हीकल के ट्रेड वाले बच्चे थे। अपन अभी बाकी के भी ट्रेड वाले बच्चों से मिलेंगे, आगे मिलेंगे। ठीक है।